नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में छिंदक नागवंश को मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। इससे आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और 15 नंबर के प्रश्न। जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसमें मैप जरूर दिखाइए, क्योंकि मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न आता है, छिंदक नागवंश के शासक, छिंदक नागवंश के शासक सोमेश्वर प्रथम की भूमिका पर प्रकाश डालिए, की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मान लीजिए यह 2 नंबर का प्रश्न आया है, अंक 2, शब्द सीमा 30। तो आप सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि सोमेश्वर प्रथम से संबंधित यदि कोई युद्ध हो, स्थापत्य हो, या कोई शिलालेख हो, या कोई जीर्णोद्धार हो, कोई भी बात, कोई भी जानकारी जो सोमेश्वर प्रथम से संबंधित हो, यही इसकी भूमिका कहलाएगी। तो यहां पर हमें 4 लाइन प्रदान किया जाएगा और हमें सोमेश्वर प्रथम के बारे में लिखना है। तो आप यहां पर मैप जरूर दिखाइए, मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि छिंदक नागवंश की मुख्य राजधानी रही है भ्रमरकोट बारसूर, तो आप यहां पर इनकी राजधानी बता सकते हैं बारसूर। यह है छत्तीसगढ़ राज्य, यहां पर आप बता सकते हैं बारसूर, भ्रमरकोट बारसूर, जो कि रही है सोमेश्वर प्रथम की राजधानी, सोमेश्वर प्रथम की राजधानी। ध्यान दीजिएगा, बारसूर या इसे हम कहते हैं भ्रमरकोट, बारसूर या भ्रमरकोट। अब यहां पर हम लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं गुंड महादेवी के नारायणपार शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सोमेश्वर प्रथम मधुरांतक देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा अपना पैतृक साम्राज्य वापस पाते हैं, तथा सोमेश्वर प्रथम रतनपुर कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम से युद्ध हारते हैं तथा जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार कैद कर लेते हैं, परंतु माता गुंड महादेवी के अनुग्रह पर इन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी हमें सोमेश्वर प्रथम से संबंधित पता है, यही हम लिखेंगे। यहां पर है बस्तर में नारायण पाल, यह आपका है नारायण पाल शिलालेख, यहां पर से प्राप्त हुआ है नारायण पाल शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख से, नारायण पाल शिलालेख से, नारायण पाल शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर प्रथम मधुरांतक देव को युद्ध में पराजित कर अपना पैतृक साम्राज्य वापस पाते हैं। आगे हम लिख सकते हैं जाजल्य देव प्रथम द्वारा सोमेश्वर प्रथम
सोमेश्वर प्रथम युद्ध में पराजित होते हैं, युद्ध में पराजित होते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आता चार अंकों के लिए, तो हम इसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात हमें यहां पर कुल 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से हमें यहां पर कुल 6 लाइन प्रदान किए जाएंगे। जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रतनपुर में कैद करते हैं, परंतु गुंड महादेवी के अनुग्रह पर सपरिवार रिहा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम सोमेश्वर प्रथम की भूमिका को बता सकते हैं। सबसे पहले हमने मैप बनाया, मैप में बारसू राजधानी या भ्रमरकोट राजधानी को दिखाया, नारायणपाल को दिखाया जहां से प्राप्त हुआ है नारायणपाल शिला लेख। गुंड महादेवी के नारायणपाल शिला लेख के अनुसार सोमेश्वर प्रथम मधुरांतक देव को युद्ध में पराजित कर अपना पैतृक साम्राज्य वापस पाते हैं। जाजल्य देव प्रथम द्वारा सोमेश्वर प्रथम को युद्ध में पराजित जाजल्य देव प्रथम सोमेश्वर प्रथम को सपरिवार रतनपुर में कैद करते हैं, परंतु गुंड महादेवी के अनुग्रह पर सपरिवार रिहा कर देते हैं।